Twenty-four-seven teachers training. A lesson-by-lesson lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahir Rahmanir Rahim. असलकुम महतरम टीचर स्नोमैन पब्लिशर्स की जानब से खुश आमदीद ये सेशन पाँचवीं जमात की इस्लामिया के बाब सोम के हिस्सा सीन पर मुश्तमिल है जिसका गजबात है आइए सबसे पहले जानते हैं सबक के हौसलात तालम के बारे में इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि जहाद का हकीकी तारुफ जान सकें गजवा और सीरिया सरिया कमानियोंफहूम और फ़र्क जान सकें जबात की ज़रूरत और अहमियत से आगाह हो सकें गवाए बद्र गवाए उहद और गवा खंदक के इसबाब और वाकत के बारे में अजमारी तौर पर जान सकें ग़ज़वात के नतीजे में हासिल होने वाले असरात जान सकें सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले चंद सवाल के ज़रिए मजमून की तमीद उठाएँ मसला जहाद के बारे में आप क्या जानते हैं कोई से दो गज़बात के नाम बताएं तलबा की हौसला अफजाई करें ताकि वो जवाब देने की कोशिश करें सबक का बाकायदा आगाज़ करें और तलबा को जहाद के मानी व मफहूम बताएं उन्हें बताएं कि जहाद के लफसी मानी कोशिश और मेहनत के हैं इस्लामी शरीयत में जहाद के मानी इस्लाम की सरबुलंदी दावत व तबलीग और तहफुज दिफा के लिए की जाने वाली अमरी कोशिशों के हैं तलबा को मजीद बताएं कि जहाद दीन इस्लाम का एक अहम रुकन और फरीज़ा है क़ुरान मजीद और अहदीसी मुबारक में मतदद बार जहाद का ज़िक्र किया गया है इसके बाद तलबा से सबक के जहाद का तारफ़ वाले हिस्से की बुलंदवाज़ में पढ़ाई करवाएँ तलबा को ग़ज़बा और सरिया में फ़र्क बताएँ उन्हें बताएँ कि ऐसी जंग जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की उसे ग़ज़बा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सताईस गजबात में शिरकत की ऐसी जंग जिसमें आप ने ख़ शिरकत नहीं फरमाई और किसी और को सिपासीलार बनाकर भेजा उसे सरिया कहते हैं इसके बाद तलबा से सबक के गजबा और सीरिया में फ़र्क वाले हिस्से की पढ़ाई बुलंद आवाज में करवाएं किताब की मदद से तलबा को बताएं कि गजबात की ज़रूरत क्यों पेश आई उन्हें बताएं कि हजरत मदीना के बाद मुसलमानों को एक महफूज जगह मिल गई थी और इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था ये बात कुफार के लिए काबिल कबूल न थी इसलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की और मुश्किल खड़ी करने की भरपूर कोशिश कोशिशें की। कफ़ार ने मुसलमानों से कई जंगें भी लड़ी अल्लाह ताला की मदद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में मुसलमानों ने इन जंगों में कामयाबी हासिल की तलबा को जजीरा अरब के नक्शे की मदद से मशहूर गज़बात के मकाम की निशानदेही करवाएं इसके बाद तलबा से सबक के इस हिस्से की बुलंद आवाज में पढ़ाई भी करवाएं। सरगर्मी तलबा से गबात के मकाम का नक्शा तैयार करवाएं। किताब की मदद से तलबा को गजबाए बद्र के केबाब के बारे में बताएं उन्हें बताएं कि मुसलमान मदीना मनवर में अमन और सुकून से रहने लगे थे ये बात कुफ़ार मक्का को बर्दाश्त न हुई और उन्होंने मदीना मनवर पर हमले का मनसूबा बनाया ये इस्लाम और कुफ़ार के दरमियान पहली जंग थी जो कि सत्रह रमज़ानमबारक दो हिजरी को पेश आई अगले हिस्से के लिए तलबा को ग़जबाए बद्र में पेश आने वाले वाक़ात के बारे में बताएँ उन्हें बताएँ कि मुसलमान तादाद और जंगी सामान में कुफार से बहुत कमज़ोर थे लेकिन जज्बा ईमान इसे सरशार थे तीन सौ तेरह मुसलमानों का मुकाबला एक हज़ार कुफार से था तमाम मुसलमान दिलोजान से लड़े अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भी भेजे मुसलमानों ने इस जंग में कामयाबी हासिल की और इसके बाद इस्लाम और तेज़ी से फैला इसके बाद तलबा से सबक के हिस्से की पढ़ाई भी करवाएं, किताब की मदद से तलबा को गजबाएद के अबाब और इसमें पेश आने वाले वाक़ात के बारे में बताएँ सऊदी अरब के नक्शे की मदद से तलबा उहद के पहाड़ और उहद के मकाम की निशानदही करवाएँ उन्हें बताएँ कि गजबाए बदर के बाद कुफार का वकार मुतासर हो चुका था और उहद का मकसद उनका अपना वकार बहाल करना था कुार पहले से भी बड़ा लश्कर जो बेतहाशत जंगी सामान से लेस था अबूसफान की क्यादत में लेकर मदीना की तरफ निकल पड़े इस गजबा में मुसलमानों की तादाद 700 थी कुफार के लश्कर उहद के मकाम पर पड़ाव डाला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन खबीर ताला अन्हो की क्यादत में 50 तीरंदाज उहद के पहाड़ पर तैनात किए और उन्हें सख्त हिदायत की कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये मकाम नहीं छोड़ेंगे जंग के शुरू होते ही मुसलमानों ने कुफार का सफ़ाया करना शुरू कर दिया और कुफ़ार भागने लगे ऐसे में मुसलमानों ने माल ग इकट्ठा करना शुरू कर दिया पहाड़ पर तयनत तीरंदाजों में से बशतर ने अपना मकाम छोड़ दिया और माल गनीमत के लिए नीचे उतर आए ये देखकर कुफार ने नेहद के पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया ऐसे में मुसलमानों में भगदड़ मच गई और कई मुसलमान शहीद हो गए हज़रत मोहम्मद सल्ह वसम भी ज़ख्मी हो गए और यह अफवाह फैल गई कि कुफ़ार ने नाउज़ बिल्ला आप अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है इससे मुसलमानों में मायूसी फैल गई जब लेकिन जब मुसलमानों को पता चला कि आप अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं तो मुसलमान दोबारा से मुनज़म हुए और कुफ़ार ये देख कर भागने पर मजबूर हो गए इसके बाद तलबा से सबक के उहद के इसबा और वाकत वाले हिस्से की बुलंद आवाज में पढ़ाई करवाएं किताब की मदद से तलबा को गजवाए खंदक के इस्बा और वाकयात के बारे में बताएं उन्हें बताएँ कि कुफ़ार को ये नजर नज़र आ रहा था कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है और मुसलमान मजबूत हो रहे हैं इसलिए उन्होंने एक और जंग करने का फ़ैसला किया इस बार कुफार का लश्कर दस हज़ार का था इस गजवा के लिए हज़रत सलमान फारसी रजाल्ल्ला तू की तजवीज़ पर मदीना मनवरा के गर्द एक खंदक खो दी गई इस खंदक का मकसद मदीना मनवरा का दिफा मजबूत करना था गजवाए खंदक का नाम इसी खंदक पर है तलबा को मजीद बताएँ कि रसूल ने नेहब कराम रजा अल्लाह तहुम के साथ मिलकर ये खंदक खो दी इस खंदक ने मुसलमानों की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका था और अल्लाह ताला ने तेज़ आंधी चलाई जिसकी वजह से कुफार के खैमे उखड़ गए और उनके हौसले पस्त हो गए और वह वापस चले गए इसके बाद तलबा से सबक के गजवाए खंदक और उसके इसबाब वाले हिस्से की पढ़ाई बुलंद आवाज में करवाएं। सरगर्मी ग़ज़वात के मुताला से हमें क्या सबक मिलता है के मौजू पर तलबा के दरमियान गुफ्तगु करवाएं। पढ़ाए गए सबक से मतलब तलबा की जाँच के लिए उनसे पूछें कि दौरे हाजिर में हम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए क्या काम कर सकते हैं घर के काम के लिए तलबा को वालदान की मदद से कोई से दस गजबात के नाम कापी पर लिख कर लाने का कहा जा सकता है मोहतम टीचर आपकी समाज का शुक्रिया अल्लाह